कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाया, 3 अंकों में भी उनकी सीटें नहीं आई, वह लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी और एनडीए ने 303 सीट लेकर तीसरी बार मजबूत सरकार बनाई है, कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। किसी भी वक्त गिर सकती है। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके के झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा, जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करेगा। अच्छा, एक आगे होने जा रही है, क्या कुछ इसमें? देखिए, आने वाले समय के अंदर विधानसभा के हरियाणा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति को ऊपर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा, मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8500 रुपए आएंगे, देना कांग्रेस के लोग कहां से देंगे, दें वो कहां से देंगे? अरे, लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के, संविधान की बुक लेकर के, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा, अरे इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि ये खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ये झूठ की नींव के ऊपर खड़े हुए हैं, जल्दी ही इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है और लोगों के लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, मैं बार बार इस बात को लेकर के बोलता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बताए कि मेरी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार के ऊपर दिया है, कांग्रेस के नेता भी मंचों के ऊपर बताएं, परंतु हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देकर के उनको सम्मान देने का काम किया। देखिए, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ, और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बिजली नहीं आती थी, इस प्रकार की स्थिति थी, परंतु आज 24 घंटे भी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारी ऐसी लगातार योजनाएं, आज गरीब लोगों को जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने खाली गरीब लोगों को एक प्लाट दे दिया कि ये प्लाट है, ना कोई रजिस्ट्री दी, ना कोई इनकी कब्जा दिया, ना कोई पोजीशन आई उसकी, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया, परंतु हमने आकर के उसका कब्जा भी देने का काम किया, उसकी रजिस्ट्री भी देने की काम की है। और हमने कहा है कि अगर किसी गांव के अंदर पंचायत की भूमि नहीं है, उन लोगों को 1-1 लाख रुपया दे करके वो अपना प्लाट ले सके, उसकी व्यवस्था भी। देखिए, वो झूठ बोलते हैं,
वो सारा का सारा घमंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी, और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें, हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। उनके ना तो वहां पर जो पानी इकट्ठा करने का उनकी सफाई है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है, वो तो खाली वाहवाही लूटने का काम करते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं उन्होंने किया है, ना कोई काम किया है। वो उनकी व्यवस्था के लिए काम करें, लोगों को दिखाएं कि जितना पानी हमारे पास भी जितना पानी है उसी के अंदर काम चला रहे हैं, वो भी उसी पानी के अंदर इतना पानी पर्याप्त दिल्ली को दिया जा रहा है, परंतु उनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है, वो अपने सिस्टम को ठीक करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।